brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी सरकार की नीतियों का बखान किया, मनोहर सरकार की नीतियों का बखान किया, विरोध क्यों हो रहा है? तमाम जगह जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे उम्मीदवार जा रहे हैं लोकसभा के प्रचार करने के लिए, और मेवात देश भर के जो अति पिछड़े इलाके हैं उनमें शुमार है, तो मेवात के विकास के बारे में कब मनोहर सरकार या फिर नायाब सरकार सोचेगी? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या मेवात के अति पिछड़ेपन को भी शामिल किया गया है? कब तक मेवात आखिर पिछड़ा रहेगा? आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, नहरी पानी की व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की थी, मनोहर सरकार ने की थी, नायब सरकार के द्वारा की गई है, मेवात में रेल की मांग काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, नायब सरकार की? क्या लगता है कि नूह दंगों का असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनावों को लेकर आज से नॉमिनेशन का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा के उम्मीदवार रामविंदरजीत सिंह ने आज गुरुग्राम लोकसभा के लिए नामांकन किया है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के मंत्री संजय सिंह हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल देखते हैं, खासतौर पर अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो। हरियाणा में जहाँ तक मेरा मानना है, जिस प्रकार का पूरा देश में माहौल है और पिछले लगातार में 7-8 दिन से बाहर कई लोगों में जाना हुआ है, तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी आज जीतने के उस पर है और 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मोदी जी का एक पूरे देश में पूरे सुनामी की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जो मैं समझता हूँ जो एक साइलेंट जो वोटर जो होता है आज बिल्कुल उसने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कुछ वो मैनिफेस्टो है और क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ आप प्रकाश डालिए? जहाँ तक मैनिफेस्टो की आपने बात की, मेरा मानना तो तकरीबन जैसे लोगों का भी जो व्यूज आए हैं उनसे बात हुई है, इस मैनिफेस्टो में हमने हर वर्ग को पार्टी ने टच किया है, चाहे किसान वर्ग की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, चाहे हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी हर उसको विकास को लेकर के चल रही है, और मैं समझता हूँ उसी का कारण है, क्योंकि जो पीछे 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो काम किया, मैं समझता हूँ इससे पहले इतना विकास, चाहे मैं किसान की बात करूं, आज हर किसान इस बात से बड़ा खुश है कि जो हरियाणा में जो भावांतर भरपाई योजना है, चाहे किसानों को सब्सिडी की बात हो, चाहे किसानों को जो MSP की बात हो, मैं समझता हूँ मोदी जी के आने के बाद, और जो व्यवस्था जो परिवर्तन का जो हम बात करें, पहले किसानों के साथ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ठगी हो जाया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है आज किसान इधर माल बेचता है, उनके खातों में जो सीधी जो ट्रांजेक्शन जो पैसे की होती है उसमें किसान अपने आप को बड़ा सेफ महसूस करता है, और नहीं पहले फसल बिगड़ने के बाद आड़तियों चक्कर काटने पड़ते थे या पैसे के लिए किसानों को इधर उधर जाना पड़ता था। आज इसी प्रकार की व्यवस्था जो परिवर्तन करने का जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो उसकी देन है, और उसके कारण ही सारे वर्ग, चाहे युवा वर्ग की बात हो, क्योंकि जो हमारी चाहे स्पोर्ट्स नीति हो, चाहे हमारे जो महिलाओं की बात हो, क्योंकि जो लखपति दीदी जो मोदी जी ने जो नारा दिया है कि देश की जो बहनें भी हमारी लखपति हों, और हर वर्ग को चाहे मकान के माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से हर वर्ग को साधने का काम किया है, और विकास में आज मैं समझता हूँ इन 10 सालों में एक भारत जो हम सोचते थे कि जो भारत जो हमारा नंबर 1 पर हो, उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। हरियाणा की बात करूँगा, आपने मोदी सरकार की नीतियों का बखान किया, मनोहर सरकार की नीतियों का बखान किया, विरोध क्यों हो रहा है? तमाम जगह जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के चाहे उम्मीदवार जा रहे हैं लोकसभा के प्रचार करने के लिए विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहा है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, विरोध का आखिर कारण क्या है? तो मैंने जैसे बताया, मैं पिछले 4-5 दिन से बाहर ही हूँ, कई लोग फॉर्म जाना हुआ है, विरोध इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टी का मैं समझता हूँ कहीं भी विरोध नहीं है, कहीं हो सकता है किसी निजी काम से या कोई लोकल समस्या कारण कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का पूरा देश समर्थन कर रहा है। किसानों की मैं समझता हूँ जहाँ तक बात करें कि किसान आंदोलन कोई किसान आंदोलन नहीं था, ये कुछ चंद जो शरारती तत्व थे वो एक माहौल खराब करने का उन्होंने काम किया, क्योंकि किसान के पास कहाँ टाइम है, जब फसल कटती है या फसल उठती है किसान खेतों में उस पर काम करने का समय होता है, ना कि रोडों पर बैठने का। रोडों पर एक केवल सिर्फ
जो प्रदर्शनकारी टाइप या राजनीतिक जो विपक्ष के लोग हैं जो एक माहौल खराब करने की बात करते हैं, उन लोगों का माहौल है। बाकी किसान के पास इतना समय नहीं है, वो रोड पर बैठे या प्रदर्शन करें। मैनिफेस्टो की बात करता हूँ मैं, आप तो अब मंत्री हैं, पहले विधायक थे सोना से, अब मंत्री हैं, सरकार में नायाब सरकार में मंत्री हैं। आपके मैनिफेस्टो में गुड़गांव का ये सरकारी अस्पताल है जो कि 2016 में डिसमेंटल किया गया था, गुड़गांव का सरकारी बस अड्डा है जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में है, इसको कब भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने जा रही है? 2014 से पहले का गुड़गांव देखें, आज का गुड़गांव देखें, मैं समझता हूँ जमीन आसमान का फर्क है। सारी चीज़ें तरतीब वाइज की जा रही हैं, और हॉस्पिटल का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें बढ़ाने की बात कह भी रखी है, और शायद काम भी चल रहा है। मैं समझता हूँ किसी भी आधार पर गुड़गांव का कोई मुकाबला नहीं है, और चाहे आप हाईवेज की बात करें, मेट्रो एक्सटेंशन की बात करें, इवन यहाँ तक जो पुराना गुड़गांव था उसको भी अभी पीछे बहुत जल्दी जो जिसका उद्घाटन हुआ उसको भी जोड़ने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ आज गुड़गांव हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं, पहले जो गुड़गांव चार चार पाँच पाँच घंटे जाम लगा करता था, आज गुड़गांव जाम रहित है। चाहे मैं मोर चौक की बात करूँ, चाहे मैं बस स्टैंड की बात करूँ, चाहे इको चौक की बात करूँ, चाहे होंडा चौक पर बहुत से बाहर से जो दूसरे प्रदेश से लोग जाते जाते थे, दो दो तीन तीन घंटे जाम लगा करते थे, लेकिन 14 के बाद मैं समझता हूँ आज गुड़गांव हम दावे के साथ कह सकते हैं गुड़गांव जाम फ्री गुड़गांव। अच्छा, एक काफ़ी गंभीर समस्या है मंत्री जी, हर साल 2016 के महाजाम के बाद जो करोड़ों रुपए लगाए गए थे फ्लाईओवर बनाने के लिए, अंडरपास बनाने के लिए, बरसाती पानी की निकासी के लिए, उसके बावजूद लगातार हर मानसूनी बारिश में शर्मनाक स्थिति का सामना गुड़गांव वासियों का करना पड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में मानसूनी बारिश के पानी को भी शामिल किया गया है? जो लंबे जाम लगते हैं गुड़गांव के अंदर, आपने अभी जाम की बात की, हालांकि द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू जरूर हुआ, कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे जरूर शुरू जरूर हुआ, लेकिन जो अंदरूनी गुड़गांव हैं, जो घुटता हुआ गुड़गांव है, उसकी प्लानिंग के लिए क्या कुछ मैनिफेस्टो में कुछ बदलाव किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के? जब से माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मनोहर लाल जी ने कमान संभाली, मैं समझता हूँ हर चीज़ों पर बड़े गौर से काम किया जा रहा है, और जो चाहे बरसात के पानी की बात हो, चाहे वेस्टेज वाटर हो, क्योंकि पहली बार ऐसा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में हमने गुड़गांव में पहली बार देखने को मिला, जो वेस्टेज जो पानी हुआ करता था उसको हमने एक उसको ट्रीट करके हमने उसको यूज रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज करने का जो काम किया, और मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ को हम वेस्टेज नहीं जाने देते, उसको बड़े ढंग से उसका यूज किया जा रहा है, और गुड़गांव के साथ लगते हुए, क्योंकि हम जो ज़मीनी वो है जो लेवल उसको तो छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन सब बातों को ध्यान रखते हुए फिर भी हमारी सरकार ने गुड़गांव को जो पानी ना भरे बरसात वगैरह में बहुत अच्छी योजनाएं बनाने का काम किया, जैसे दमदमा जो झील हमारी हुआ करती थी वहाँ हम यहाँ से पानी ले जाने का काम कर रहे हैं, और बहुत सी योजनाएँ बनाई। आखिरी सवाल आप मेवात के रहने वाले हैं संजय जी, और मेवात देश भर के जो अति पिछड़े इलाके हैं उनमें शुमार है, तो मेवात के विकास के बारे में कब मनोहर सरकार या फिर नायाब सरकार सोचेगी? भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या मेवात के अति पिछड़ेपन को भी शामिल किया गया है? कब तक मेवात आखिर पिछड़ा रहेगा? आप तो वहाँ के रहने वाले हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, नहरी पानी की व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की थी, मनोहर सरकार ने की थी, नायाब सरकार के द्वारा की गई है, मेवात में रेल की मांग काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, नायाब सरकार की? जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो गुड़गांव जो नूह जिला था वो एक्सपेंशन डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन आज मैं समझता हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमान संभाली है, चाहे पानी पीने की बात करूँ, और जो मेवात के जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो गुड़गांव कैनाल की मेवात कैनाल की थी, वो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की, उसके साथ साथ उसका बजट पास करने का जो काम किया, और पीने के पानी के पीछे 2017-18 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 160 गांव जो फिरोजपुर जिला के थे उनको जो रेनी वेल से जोड़ने का काम किया, और आज मैं समझता हूँ मेवात में लगभग तकरीबन मेवात का जो गांव है सारे पानी पीने वाले उसमें रेनी वेल से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद जो हम बादली से स्पेशल जो हमारे जो चाहे मेडिकल कॉलेज की बात करूँ, चाहे शहर की बात करूँ, बादली से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने मेवात को पानी पीने के लिए दिया है, और मैं समझता हूँ धीरे धीरे जो चीज़ समस्याएँ पूरी की जाएंगी। आज मेवात क्योंकि जब से हमारे
नूह जिले से ये जो मुंबई एक्सप्रेस वे निकला है, आज मेवात किसी भी तरक्की से कम नहीं है। आज जो गुड़गांव में जो पहले जो ज़मीन की कीमत जो हुआ करती थी, आज वही एक्सप्रेस वे से मेवात की ज़मीनों की काफ़ी उछाल है और इंडस्ट्रेस्ट मेवात में जाने के लिए शुरू हो भी गया, काम वहाँ चल गया। मंत्री जी, आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव ज़रूर हैं, इससे पहले नूह में दंगे हुए थे, क्या लगता है कि नूह दंगों का असर लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? मैंने कहा ना, नूह एक समय था जब पिछड़ा हुआ करता था और वहाँ जो शिक्षा दर कम होने के कारण लोगों में थोड़ा सराफतपना क्या हो या थोड़ा विचारधारा में थोड़ा था, लेकिन आज मोदी जी के काम और मनोहर लाल जी की नीतियों के कारण जो विकास मेवात में भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज मेवात का हर व्यक्ति मेवात में जो विकास हो रहे हैं उसके प्रति काफ़ी जागरूक है और काफ़ी मेवात में एरिया में बदलाव भी, और जो 3 सीट मेवात की हैं, आज मैं समझता हूँ कांग्रेस के पास या किसी भी दल के पास मेवात में कोई नेता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो बहुत बड़े दिग्गज जो अपने आप में चुनाव लड़ा करते थे, या तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में या भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार के हालात पूरे देश में, और वो सबसे बड़ा कारण वो मोदी जी मनोहर लाल जी का विकास है जिसके कारण यहाँ उम्मीदवार नहीं मिल रहा, और मोदी जी ने मैं समझता हूँ पूरे देश में जो एक विजन दिया है 400 पार का, उसको 100% भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मेहनत के साथ पूरा करेंगे, और मेवात में बाकी बार भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर विजय करके बहुत बड़े मार्जिन से हमारे यहाँ के प्रत्याशी चुनाव जीत हासिल करेंगे। शुक्रिया। तो ये हमारे साथ हरियाणा सरकार के मंत्री संजय सिंह जी हैं। आज केंद्रीय मंत्री राविंद्रजीत सिंह ने पहला नामांकन दाखिल किया है, आज से नामांकन प्रक्रिया जरूर शुरू हुई है। 2014 में मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2024 में ज़रूर देखने वाली बात होगी क्या मोदी का नाम चलेगा या फिर जनता कठिन सवालों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से या फिर उन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं से सवाल पूछने जा रही है कि उनके मुद्दों को आखिर कौन से मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।